हेलो गाइस, वेलकम टू यूके पीएससी अपडेट्स। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड अपर पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं, जो कि 2016 में हुए थे, उसके हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले भी हम इसके क्वेश्चन ले चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 13 दिया हुआ है तो हमें जो मल्टीप्लीकेशन दिया है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी। दोस्तों, है एक्स माइनस टू इंटू वाई प्लस वन इंटू जेड माइनस थ्री। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? दोस्तों, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको तभी मिल सकती है जब ये तीनों टर्म्स क्या हों, आपस में बराबर हों। ठीक है, जब एक्स माइनस टू, वाई प्लस वन और जेड माइनस थ्री अगर आपस में बराबर हों तभी हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। आप ये कहीं भी करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, अगर मैं 1, 2, 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है? 6। और इसमें तीनों नंबर अलग अलग हैं, पर अगर मैं तीनों नंबर को सेम कर दूँ, जैसे कि 3 × 3, तो कितना पहुँच जाता है? दोस्तों देखिए, सबसे मैक्सिमम पहुँचता है जब ये तीनों नंबर बराबर हो, तो 27 आ गया। देखिए, तो मैं क्या करूँगा, तीनों को बराबर कर दूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इनका एवरेज लूँगा। दोस्तों, मैंने मान लिया कि सब वैल्यू बराबर है, इनका एवरेज निकालते हैं। क्या आएगा इनका एवरेज? इन सभी को जोड़ेंगे, ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे और 3 से इसको भाग दे देंगे, तो कितना आएगा? देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और ये कितना आएगा? माइनस 4 आएगा, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 और प्लस 1 4 अपॉन 3। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दोस्तों दे रखे कितनी? 13। 13 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा? 9। 9 को 3 में से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। तो इसका मतलब हमको एवरेज मिल गया दोस्तों, 3। हर किसी का एवरेज 3 मिल गया। इसका मतलब हर कोई क्या होता होगा? 3 होता होगा। x माइनस टू भी 3 होता होगा, y प्लस 1 भी 3 होता होगा और z माइनस 3 भी क्या होता होगा? 3 होता होगा। हमको पूछा गया है इन सभी का मल्टीप्लीकेशन पूछा है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा? 27। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्या हुआ, क्या दिया हुआ है? देखिए, एक इंस्पेक्टर क्या करता है, 0.8% जो मीटर हैं बिजली वाले उनको रिजेक्ट करता है 100 में से। ठीक है, परसेंट का मतलब यही है कि 0.08% वो क्या करता है, गलत मीटर खोजता है। 100 मीटर की जांच करने पर 0.08% मीटर क्या निकलते हैं? ख़राब निकलते हैं। तो बोल रहा है कि इसको ऐसे कितने मीटर देखने पड़ेंगे ताकि उसको 2 मीटर ख़राब मिल सकें। अभी तक तो उसको 0.08% मीटर ख़राब मिल रहे थे 100 मीटर चेक करने पर, अब वो 2 की वैल्यू पूछ रहा था, 2 मीटर कैसे निकालेंगे? तो ईजी हो जाएगा। देखिए, 100 को 0.08 से डिवाइड करेंगे और 2 की वैल्यू निकाल देंगे, तो उसके लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके 2 जीरो हटाएंगे तो 0 ऊपर चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक जीरो में 1000 को दे दे रहा हूँ, एक 2 को दे दे रहा हूँ, ये 20 हो जाएगा। और 8 से काटेंगे 1000 को कितनी बार? 125 बार। 125 का दुगना कर देंगे दोस्तों, 250, और एक जीरो एक्स्ट्रा है तो कितना आ जाएगा? 2500। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम इस तरह के क्वेश्चन और ला सकें। ये सभी उत्तराखंड अपर पीसीएस में क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं।